हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं ट्रिपल सी कोर्स के बारे में कि ट्रिपल सी कोर्स क्या है, एक कहाँ से होता है, इसको करने के लिए आपके पास कितनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, ये कितने घंटे का है और इस कोर्स को करने से हमारा बेनिफिट क्या है, इसकी सरकारी फीस क्या है, अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो इसमें क्या फीस जाएगी, इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। आइए चलते देखते हैं ट्रिपल सी क्या है। व्हाट इज ट्रिपल सी? ट्रिपल सी एक कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है जो गवर्नमेंट की संस्था नाइलिट के द्वारा कराया जाता है। नाइलिट क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर इसको हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इसके द्वारा कराया जाने वाला एक कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स है जो सरकार के द्वारा चयन आयोग द्वारा वैकेंसियां निकलती हैं इस सर्टिफिकेट को मांगा जाता है। अब देखते हैं ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या है। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आधारित एक कोर्स, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कोर्स जो कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित हो। अब देखते हैं कि ये कंप्यूटर कोर्स कितने समय का है, इस कंप्यूटर कोर्स को करने में कितना समय लगता है। ट्रिपल सी 3 महीने का या फिर 80 घंटे का होता है। ये 3 महीने और 80 घंटे का क्या संबंध है, देखते हैं। महीने में 31 दिन भी होते हैं और 30 दिन भी होते हैं, 4 छुट्टियां निकल जाती हैं, तो बच्चे 27 दिन या 26 दिन। अगर इनको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 81 निकल के आता है कि 81 घंटे। इस कंप्यूटर कोर्स को अगर हम एक दिन में 1 घंटे सीखते हैं तो ये कोर्स 3 महीने या 81 घंटे में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं कि इस कोर्स को करने का फायदा क्या होता है। ट्रिपल सी कोर्स करने से आपको एक कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाता है जिससे आप बहुत सारी सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में लगा सकते हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, RO और ARO। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसियां आती हैं, ये उत्तर प्रदेश का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एक बोर्ड है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी निकलती हैं, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी हो गए, लेखपाल हो गए, RO और ARO की वैकेंसी हो गई, तो इन सभी नौकरियों में ट्रिपल सी कोर्स को कंपलसरी कर दिया गया है और वो मांगा ही जाता है। अब देखते हैं कि इस कोर्स को हम कहाँ से कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के तरीके 2 हैं। पहला तो हम खुद स्वयं से कर सकते हैं, दूसरा हम किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से कर सकते हैं। खुद कैसे कर सकते हैं? हम नाइलिट की साइट पे जाके हम खुद इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, पेमेंट जमा कर सकते हैं और हम अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड करके अपने एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देकर पास हो जाते हैं तो अपने सर्टिफिकेट को भी हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम खुद नहीं कर सकते हैं तो हम किसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लेके वहाँ की जो फीस है उसको जमा करके अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल करा सकते हैं और उसी इंस्टीट्यूट में हम तैयारी करके अच्छे नंबरों के साथ पास होकर अपने सर्टिफिकेट को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसकी फीस क्या है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स की फीस क्या है। अगर हम सेल्फ से करेंगे, यानी अगर हम अपने आप करेंगे, तो भारत सरकार ने ₹500 इसकी फीस तय की है और ₹90 इसका GST वगैरह चार्ज मिला के टोटल ₹590 हमें पे करने पड़ेंगे एक बार, और ₹590 पे करके हम अपने फॉर्म को भर सकते हैं और एग्जाम का समय आने पर प्रवेश पत्र को डाउनलोड करके एग्जाम देके हम पास हो सकते हैं और बिना कोई शुल्क दिए हुए अपने हम सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो कितना चार्ज जाएगा। तो ₹500 तो जो सरकारी है वो फीस हो ही गई हमारी, ये तो हमें देनी ही पड़ेगी। अगर कोई इंस्टीट्यूट ₹1500 चार्ज करता है सिखाने का, तो हमें ₹1500 और ₹500 मिला के ₹2000 देने पड़ेंगे। अगर कोई इंस्टीट्यूट अपनी सर्विस का ₹2000 चार्ज करता है तो ये ₹500 मिला के हमें टोटल ₹2500 तक का चार्ज देना पड़ सकता है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं जाना चाहिए। अब देखते हैं कि इस कोर्स को हम कितनी बार कर सकते हैं। जब तक आप पास नहीं होते आप लगातार एग्जाम दे सकते हैं। पास होने के अलावा भी चाहे जितनी बार आप एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हमने एक बार एग्जाम दिया, हम पास हो गए, हमारे 50% नंबर अगर सिर्फ आते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी परसेंटेज और अच्छी हो जाए, तो उस कंडीशन में हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी फीस जाएगी, फीस पूरी जाएगी। अगर हम सेल्फ से करेंगे तो 500
प्लस 90 यानी 590 रुपये फीस जाएगी और हम दोबारा से तैयारी करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी भी बार जाएं हम लगातार अपना फॉर्म फिल करके, लेकिन फीस हर बार जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फीस दे दी है तो दोबारा फीस नहीं जाएगी। अब सवाल ये आता है कि अगर हमने एक बार पास कर लिया और दोबारा हम एग्जाम देते हैं तो क्या पहले वाले सर्टिफिकेट वैल्यू रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। हम जितनी बार देंगे, जितने सर्टिफिकेट हमारे पास आएंगे, हर सर्टिफिकेट की अपनी वैल्यू रहेगी और वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल पे शो होता रहेगा। अब बात करते हैं कि कोर्स का पेपर और समय क्या है, कोर्स का पेपर कैसा आएगा और कितने समय का पेपर रहेगा। तो पेपर हमारा ऑनलाइन होता है जो कि आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। इसका भी एक एग्जाम सेंटर होता है, आपको उसी एग्जाम सेंटर पर जाकर देना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर जब आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे तो उस समय प्रवेश पत्र में आपका एग्जाम सेंटर उसमें दिया होगा, आपको उसी एग्जाम सेंटर पर जाके अपना ऑनलाइन पेपर देना पड़ेगा। आपके पेपर का समय 90 मिनट रहेगा। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन। अब बात करते हैं यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की, तो वो यहाँ पर नहीं होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन सही से नहीं आता है तो आप यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को आज तक तुक्के की राय नहीं दी, ना ही मैं आप लोगों को तुक्के की राय देता हूँ। आप लोग मेहनत इतनी अच्छी करें कि आपके अच्छे नंबर मेहनत से ही आ जाएं। इसका पेपर दो टाइप का होता है, एक तो होते हैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें 1, 2, 3 और जो आपका ऑप्शन सही होगा उसी के सामने आपको टिक करना पड़ेगा और आपका नीचे यहाँ पर एक सबमिट बटन होता है पोर्टल पे, वहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो पेपर आपका सबमिट हो जाता है। और एक होता है ट्रू एंड फॉल्स, इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, एक ट्रू होता है, दूसरा फॉल्स होता है। जो क्वेश्चन सही होगा आपको, अगर ट्रू होगा तो ट्रू के सामने क्लिक करना पड़ेगा और अगर फॉल्स होगा तो आपको फॉल्स के सामने क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करके आप सबमिट कर देंगे तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपने पेपर तो हो गया लेकिन पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए। तो जानकारी के लिए बता दें ये 50 नंबर से पास होते हैं। कम से कम आपको 50 नंबर लाने ही पड़ेंगे पास होने के लिए, और 50 नंबर लाने पर आपको सिर्फ डी ग्रेड मिलता है। अगर आपको ग्रेड और अच्छा चाहिए तो नंबर और आपको अच्छे लाने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि आपको कितने नंबर लाने पर कौन सा ग्रेड मिलता है। अगर आप 50 से 54 नंबर लाते हैं तो आपको डी ग्रेड मिलता है। अगर आप 55 से 64 के बीच में नंबर लाते हैं तो सी ग्रेड मिलेगा। अगर 65 से 74 के बीच में नंबर लाते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलेगा। 75 से 84 के बीच में नंबर लाते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलेगा। अगर आप 85 से 100 के बीच में नंबर लाते हैं तो आपको यस ग्रेड मिलेगा। ये यस ग्रेड हमारा सबसे सुपीरियर ग्रेड होता है। 100 में से 100 नंबर लाना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे आपके 65 से 74 के बीच में नंबर तो आराम से आ ही जाते हैं। अगर आप 3 महीने सिर्फ 1 घंटा, आप सिर्फ 1-1 घंटे पढ़ाई करें 3 महीने 80 दिन, तो आप 65 से 74 के बीच में आप नंबर आराम से ले आ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इस कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए और इसमें कौन कौन सा व्यक्ति इस कोर्स में अप्लाई कर सकता है। तो इस कोर्स में कोई भी अप्लाई कर सकता है। कौन? कोई भी, जो व्यक्ति 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, चाहे 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन हो या आपने कोई भी पढ़ाई की हो, आपने 8वीं क्लास से लेके अगर PhD तक भी की हो तो आप भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इस कोर्स में सिलेबस क्या क्या आता है, हमें तैयारी कहाँ से करनी है, क्या क्या तैयारी करनी है। ये हमारा सबसे बेसिक कोर्स है तो इसमें बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ बेसिक ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें आता है कंप्यूटर का परिचय, परिचय में वही आएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कंप्यूटर का जनक कौन है, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर वर्तमान में चल रहा है। इस प्रकार से जो बेसिक क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि इस समय कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, इस समय कौन सी विंडो चल रही है, सबसे पहले विंडो कौन सी थी, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन किस सॉफ्टवेयर पर बनती है, इस प्रेजेंटेशन का यूज क्या है, या इंटरनेट और WWW के बारे में, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज के बारे में, जैसे ईमेल हम कहाँ भेजते हैं, ईमेल क्यों भेजते हैं, ईमेल का क्या यूज है, या स्पैम ईमेल क्या है, इसके बारे में हमने वीडियो पहले से ही बना रखे हैं। तकरीबन 6 वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही पड़े हैं, आप लोग जाकर
देख सकते हैं। डिजिटल फाइनेंस टूल किट एवं अप्लीकेशन के बारे में, फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के ऊपर पेपर आता है। पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। पेपर में सारे क्वेश्चन बेसिक स्तर के होते हैं, कोई भी ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं होता है। अब देखते हैं इसका फॉर्म कब भरा जाता है। तो हर महीने इसके फॉर्म भरे जाते हैं, साल के 12 महीने इसके फॉर्म फिल किए जाते हैं। आप कभी भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। हर तीसरे महीने में आपका एग्जाम होता है। अगर आप 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका एग्जाम तीसरे महीने में हो जाएगा। अगर आप 20 तारीख से बाद फॉर्म भरते हैं तो आपका एग्जाम चौथे महीने में हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अगर आप 20 तारीख से पहले भरेंगे तो अप्रैल, मई और जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आप 20 अप्रैल के बाद भरेंगे तो मई, जून और जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा और इसका सर्टिफिकेट 1 महीने के बाद, अगर आपका जुलाई में एग्जाम होगा तो अगस्त और सितंबर में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। यानी हम 4 से 6 महीने के बीच में मेहनत करके, तैयारी करके, एग्जाम देके अपना सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। ये थी आज की ट्रिपल सी की जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यू अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि जैसे ही हम नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। हमारे वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या जो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उन लोगों तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाएं क्योंकि हम अपने चैनल पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की समय समय पे वीडियो डालते रहते हैं। थैंक यू।